और मेरा आ गया है यहाँ पे। तो कितने साल हो गए यहाँ पे करंस को, ये मतलब स्वीट शॉप को? ये तो हो गया करंस स्वीट शॉप, स्वीट के लिए काफ़ी फेमस बागेश्वर में। मैं यही खाना खाऊंगा आज, देखते हैं कैसे बनाते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि यहाँ की स्वीट्स बहुत अच्छी होती है, तो अंदर चलेंगे और फिर दिखाऊंगा मैं आपको कैसा है। मार्केट के ठीक बगल में यह करंस का, तो काफ़ी अच्छा अंदर से डेकोरेशन वगैरह सब चीज़ अच्छा है, बढ़िया। अंदर जाके देखते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे बस। सोचा कि यहाँ पर थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। तो मांगे बागेश्वर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है स्वीट शॉप करंस। मैं खाने वाला हूँ डोसा, और डोसे में देखता हूँ टेस्ट कैसा है यहाँ का डोसा। बहुत ही बेहतरीन। बस ये डोसा है, मसाला डोसा, और ये है चटनी, ये है कोकोनट चटनी, और ये है हमारा सांभर, जैसे होता है मतलब मसाला डोसा। और मेरे ऊपर चल रहा है बहुत बेहतरीन वाला फ़ैन, कुछ अलग ही टाइप का फ़ैन है ये, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारा सजा रखा है, पहले ऐसे नहीं था। तो था कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा सा मतलब रेस्टोरेंट नहीं है और स्वीट शॉप नहीं है, इसका टेस्ट अच्छा है मतलब। और मेरा आ गया है यहाँ पे, कौन सी थाली है ये? ये रेगुलर थाली है, रेगुलर नॉर्मल ना? अच्छा नॉर्मल थाली, थैंक यू। और मेरे आगे नॉर्मल थाली, अब नॉर्मल भी नहीं है ऐसे बोल सकते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ये खाली ग्लास है, अभी पानी भरूंगा इसमें मैं। ये पापड़, ये है रायता, ये है सब्जी, ये है चावल, ये है पनीर, ये है दाल, और ये है सैलड, और इसमें है ऑनियन और चिल्ली, और ये है रोटी। समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा आ गया इसमें खाना, तो चलते शुरू करते हैं, फिर जब खा लूँगा तब तो बता दूँगा आपको। टेस्ट वाइज देखेंगे टेस्ट कैसा है इसका। तो ये है हमारा अंदर से, ये है स्टील गिलास, बाहर से इसमें ये तांबे के पॉलिश वाला बर्तन है, और ये सारे बर्तन ऐसे हैं नॉर्मल। इसका प्राइस बताऊँगा कितने की पड़ा, ये एक थाली कितने की है। ये है करंस की मिठाई, जो बागेश्वर में काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे सारी चीज़ें मिलते हैं। करंस की जो मार्केट है इसी से बनी हुई है इन मिठाई से। ₹1200 सर, सबसे कॉस्टली मिठाई यही है। तो कितने साल हो गए यहाँ पे करंस को, ये मतलब स्वीट शॉप को? ये तो हो गया 18-20 साल हो गए ना। अभी तो काफ़ी डेकोरेशन चेंज कर दिया ना? हुआ है। अच्छा हाल ही में हुआ है, हाँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा हो गया। क्वालिटी तो पहले से बेहतरीन है। हाँ, बाकी सर को मुझे लग रहा है कि अच्छा लंच डिनर भी कर दिया। अच्छा 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 चाइनीज, हाँ पहले नूडल्स वगैरह जो थे। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी वो भी है मतलब रहने का, नाइट का नहीं है ना, सिर्फ मतलब खाने पीने का है। अच्छा ठीक, धन्यवाद है, ओके। तो अगले बार हम स्वीट्स भी लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पूरा स्टाफ है। तो अभी चलते हैं फिर वापस